चिल्ड्रन, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और घर में होंगे, घर से बाहर निकलने की जिद भी नहीं करते होंगे। तो अब मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए आई हूँ। अब सब अपनी अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लें और पेज नंबर 8 निकालें। पेज नंबर 8 में और हाथ में एक पेंसिल भी रख लेंगे और मेरे साथ सारे वर्णों को दोहराएंगे। सब लोगों ने पेज नंबर 8 निकाल लिया। पेज नंबर 8 में हिंदी वर्णमाला दिया हुआ है जो हमने LKG और UKG में पढ़ा हुआ है। तो अब आप मेरे साथ बोलिए, पहले क्या है स्वर, फिर व्यंजन। तो पहले हम स्वर को पढ़ेंगे। आपको पता है स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, अ आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, री ए आई ओ औ अंग आ। हो गया, हमने स्वर पढ़ा। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बोली जाती है। स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे, आप मेरे साथ दोहराइए। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, छ त्र ज्ञ श्र। ये तो है हिंदी की वर्णमाला जो हमने पहले भी पढ़ा है LKG और UKG में। उम्मीद करती हूँ ये सबको याद होगा। उसके बाद अब आप आइए पेज नंबर 10 में पहला स्वर पढ़ेंगे। ये आपका पहला पाठ है, स्वर आ। स्वर आ, आपको पता है आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की कोई मात्रा नहीं होती। अब हम अ से कुछ शब्द पढ़ेंगे। अब अब, अमर अमर, असर असर, अजय अजय, अटल अटल, अमन अमन, अक्षत अक्षत, अक्षय अक्षय, अदरक अदरक, अचकन अचकन, अजगर अजगर, अरहर अरहर। हो गया सबको याद, इसे आप घर में फिर से दोहराएंगे। उसके बाद देखिए नीचे एक अभ्यास दिया गया है। अभ्यास क्या है, जिस चित्र के नाम की पहली आवाज़ अ है उससे मिलाएगी। बीच में अ लिखा हुआ है। यहाँ बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, 6 चित्र दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि 6 चित्रों में के नाम बुलाने हैं और जिसकी पहली आवाज़ अ हो उसे ही अ से मिलाना है। तो पहला क्या है, अमरूद। अमरूद बोलते तो पहले आ आता है ना, तो अब आ से मिला दीजिए। फिर क्या है, फूल। किसी को आया नहीं ना, तो फूल नहीं है। फिर क्या है, अनार। आ से अनार, तो हमने आ से इसे मिला दिया। उसके बाद क्या है, अचकन। आ से अचकन। अब आ से कबूतर होता है, किसको किसको लगता है आ से कबूतर होता है, है? किसी को नहीं, तो ये से हम नहीं मिलाएंगे। फिर है आ से अखबार, तो यह भी मिला गया। अब आप आइए पेज नंबर 11 में। पेज नंबर 11, ये जो है बिना मात्रा वाले कुछ शब्द हैं जिसे हम पढ़ेंगे। घर घर, कमल कमल, शलगम शलगम, कल कल, गज गज, घट घट, चल चल, फल फल, दस दस, मटर मटर, कलम कलम, रबड़ रबड़, सड़क सड़क, शहद शहद, भवन भवन, सरगम सरगम, कटहल कटहल।
शरबत शरबत थरमस थरमस बर्तन बर्तन अमरस अमरस। इसे आप घर में लिखेंगे कॉपी में और इसे बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे जिससे आपकी वर्तनी बहुत अच्छी होगी। अब हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है बस आई बस आई। रजत अब इधर आ। बस आ गई। बस पर चढ़ अब उतर घर चल। सड़क पर इधर इधर उधर ना चल। सड़क पर एक और चल। हो गया। इस कविता को भी आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे से। उसके बाद मैं कुछ शब्द बता रही हूँ आपको जिसे आप हमेशा अब अमर अमर अक्षत अक्षत अजगर अजगर अचक न अचकर गज गज मटर मटर कलम कलम बर्तन बर्तन थरमस थरमस। इसे आप कॉपी में लिखेंगे और इसे बार बार दोहराएंगे, इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे और शुद्ध लेखन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सब इसे अच्छे से दोहराएंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे और घर में ही रहेंगे। धन्यवाद।